प्रिय बंधुओं, आज हम एक बहुत ही बड़े युद्ध की कगार पे खड़े हैं। इजराइल और पैलेस्टीन का झगड़ा या युद्ध जो चल रहा है, वो आज एक बड़े खतरनाक मोड़ पर आ गया है। ये झगड़ा किस कारण से है, वह केवल मात्र एक रिलीजन है, धर्म के कारण यह झगड़ा है। धर्म के कारण सारी समस्या है, यह रिलीजन के कारण यानी सारी समस्या है। एक का मानना है कि यहूदियों को वहां रहने का कोई अधिकार नहीं, यहूदियों का, जबकि वह प्राचीन काल से, जब से मानव सभ्यता शुरू हुई है तब से वो वहाँ रहते आए, वो उन जगह उनकी थी, बाकी लोग समय समय पे उनके आसपास आते रहे, जगहों के नाम बदलते रहे, लेकिन यरूशलेम और इज़राइल वहीं का वहीं रहा। लोग वहाँ से बिखरते रहे लेकिन वो वहीं के वहीं रहे। अब उसके अगेंस्ट में, विरोध में जो लोग हैं वो सिर्फ इसलिए विरोध में हैं कि उनको विरोध करना है और वह कहीं भी दुनिया में शांत नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन कभी शांत नहीं रहता, और यहूदियों के अपोजिट जो लड़ रहे हैं वो सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन हैं। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का मतलब कि जिनका एक यूनिफाइड बिलीफ सिस्टम है और वो सब उसी बिलीफ सिस्टम को मान करके चलते हैं, और वह कुछ बातों को मानते हैं और कुछ बातों को नकारते हैं, और दोनों नकारना और स्वीकारना उनको एक संगठन के रूप में इकट्ठा करता है, और दूसरों के विरुद्ध जो उनकी बात में नहीं मानते हैं, जो उनके फॉरबिडन सिद्धांतों को या जिनमें उनका बिलीफ है, विश्वास है, उनको अगर वो नहीं मानते हैं, यानी कि फॉरबिडन को माने और जिसमें उनका बिलीफ है उसको नहीं माने, तो वो उनके दुश्मन हैं। इस तरह का वो एक संगठन अपना बना लेते हैं, और उस संगठित होने के कारण दुनिया में हर जगह कहीं भी कोई भी उनके रिलीजन पर अगर कोई आक्रमण है या उनके रिलीजन में कोई भी कुछ कहता है, तो वह सभी एक साथ मिलकर एकजुट होकर के उसका सामना करते हैं। यह होता है ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। क्रिश्चियनिटी भी एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन था। चर्च का एक सिस्टम जो एक आधार से शुरू होकर के और बिना सबसे पोप तक एक संगठित सिस्टम था, एक बहुत ही प्लान्ड और संगठित सिस्टम था। हिंदू धर्म कभी संगठित इस प्रकार नहीं हुआ, हालांकि शंकराचार्य ने इसको एक आइडेंटिटी देने का प्रयत्न किया, लेकिन वो सफल इसलिए नहीं हुए कि वो खुद भी इस चीज में विश्वास नहीं करते थे। जो व्यक्ति अद्वैत में विश्वास करता है वह किसी भी अपने फॉलोअर्स को एक संगठित रूप में, संगठन के रूप में कैसे देख पाएगा। जो विश्व बंधुत्व की बात करता है,
वासुदेव कुटुंबकम का जिन्होंने दिया, जिन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही आत्मा सब में चल रही है, हर व्यक्ति में वही परमात्मा है, हर व्यक्ति की आत्मा उसी परमात्मा का अंश है, वह व्यक्ति उस समाज को एक संगठन में नहीं परिवर्तित कर सकता था और उन्होंने किया भी नहीं। उन्होंने आस्था के केंद्र बनाए, इन चीजों को समझने के लिए स्कूल बनाए, आस्था का केंद्र भी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि कभी वहां पे आस्था से किसी हिंदू धर्म को ये आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है कि वहां वो जाए। तरह तरह के ये स्कूल थे, एक तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स कह दीजिए, फिलोसफी कह दीजिए, भिन्न प्रकार के हर मंदिर, हर टेंपल, हर जगह वो एक अपने विचार, अलग विचार के साथ में स्थित थी, और विचार स्वतंत्र इतना था कि वो संगठित हो ही नहीं सकता, न उसकी आवश्यकता थी। कुछ लोगों ने बाद में आकर के इसी रिलीजन को नेशन के रूप में देखा, इसलिए क्रिश्चियन नेशंस हुए, मुस्लिम नेशंस हुए, 57 मुस्लिम देश हैं। हिंदू राष्ट्र तो कोई भी नहीं, एक नेपाल था, वो भी खुद हिंदुओं ने उसको कह दिया कि नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है। धर्म रिलीजन एक वे ऑफ लाइफ हो सकता है, जैसे हिंदुओं का है, एक वे ऑफ लाइफ है, उसमें कोई कट्टरता नहीं है, हर चीज दिन ये बदलता है, ये एक बंच ऑफ थॉट्स है। 118 उपनिषद, हर उपनिषद दूसरे से विपरीत, 4 वेद, हर फिलोसफी विपरीत। यहां अगर चार्वाक की उतनी ही मान्यता है, चार्वाक को वही स्थान मिलता है जो कि तुलसीदास को मिलता है। चार्वाक का अपमान करते हुए हमने किसी व्यक्ति को नहीं देखा है, उनके बारे में अपशब्द कहते हुए एक भी व्यक्ति को मैंने कभी सुना नहीं है, जबकि चार्वाक कहता है या व जीवित सुखम जीवित रणो कर्तव गर्त पिबत मृत्युस्य भस्मीभूतस्य पुनर्जन्म कुतः, खाओ पियो मौज करो, एक दिन मर जाओगे। पक्का हिंदू है चार्वाक। और दूसरी तरफ भक्ति योग को मानने वाले वो श्री कृष्ण या राम की पूजा करके और अपने आप को स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं। दोनों एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, दोनों की एक साथ दोस्ती है, इतना विचार, दोनों का एक साथ विचार विमर्श होता है। कृष्ण भक्त जो नास्तिक है उसको कन्विंस करके अपने सेक्ट में रहना चाहता है, और जो नास्तिक सेक्ट का है वो उसको कन्विंस करके अपने सेक्ट में रहना चाहता है, और यह शुद्ध विशुद्ध परंपरा तर्क की चलती रहती है जीवन भर। तो ये एक बंच ऑफ थॉट्स है। उसी तरह से दूसरे धर्मों को भी ये सोचने की आवश्यकता है कि जैसे एशिया के लोगों ने इस ढंग से सोचा, बुद्ध ने एक ढंग से सोचा, क्राइस्ट ने एक ढंग से सोचा, मोहम्मद साहब ने भी एक ढंग से सोचा, और सभी एक ही सोच कर रहे हैं, उसी दिमाग से सोच रहे हैं जो प्रभु का बनाया हुआ है। हम कोई भिन्न भिन्न बातें नहीं कर रहे, सबका ऑब्जेक्टिव तो है एक। फिर तुम दूसरों से नफरत क्यों करते हो? लड़ाई तो इंसान का स्वभाव है, लड़ता है, घर में लड़ाई करता है, वो दोस्तों से लड़ाई करता है, मित्रों से लड़ाई करता है, दो देशों में लड़ाई होती है, दो शहरों में लड़ाई होती है, दो गांवों में लड़ाई होती है। तो उसमें लड़ाई हो गई तो मुझे समझ नहीं आता एक अलीगढ़ में बैठे हुए आदमी को क्या तकलीफ हो रही है, उसको क्या तकलीफ है, जो लड़े लड़ने, तो अपना फैसला कर लेंगे, जो भी होगा, सीमा का विवाद है तो वो सेटल कर लेंगे, कंट्री का विवाद तो अपना सेटल कर लेंगे, मुझे उससे क्या तकलीफ। मैं तो सिर्फ उनकी खबर सुन करके अपना मनोरंजन कर सकता हूं, उससे अधिक मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं।
लेकिन कुछ लोगों के बयान पढ़ता हूँ तो बहुत दुख होता है। ये रेजिमेंट की तरह जीने का जो स्वभाव है कुछ धर्मों में, कि वो पूरे अपने आप को एक रेजिमेंट मानते हैं, भाई मानते हैं, एक दूसरे के लिए मर मिटने की सुगंधे रखते हैं। अरे दर्द कहाँ, हजारों किलोमीटर दूर कुछ हो रहा है, दर्द उनको यहां छाती में हो रहा है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या इसका लॉजिक है? अरे तुम साल्वेशन करने की बात हो तो माना जा सकता है, मुक्ति प्राप्त करने की कोई बात कर रहा है तो उसको माना जा सकता है। अपने सेल्फ प्यूरिफिकेशन या फिर निर्वाणा की कोई बात करे तो माना जा सकता है, लेकिन भाईचारा लड़ने के लिए दूसरे उन व्यक्तियों को जिनको तुम जानते नहीं, वो अलीगढ़ वाले कितना जानते हैं इजराइल वालों को, क्या इजराइल वालों से कोई मिले हैं या व्यक्तिगत उनसे वार्तालाप हुई है या व्यक्तिगत उन दोनों में कोई आपस में विद्वेष है? नहीं है, सिर्फ तुम्हारी जात वाले को वो मार रहे हैं इसलिए तुमको दुख हो रहा है। ये क्या बात हुई, मेरी समझ में नहीं आई। तो फिर तुम धर्म नहीं हो, एक संगठन हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो, एक पार्टी हो, जिस पार्टी का एक मकसद है दूसरों को डोमिनेट करना और अपनी बात को दूसरों को मनाना, अपने आप को सच्चा मानना और दूसरों को झूठा मानना, तो फिर तो एक वो पॉलिटिकल पार्टी हो गई। किस बात के लिए तुम फंडामेंटलिस्ट होना चाहते हो, किस बात के लिए? अरे जिंदगी का फंडामेंटल तो यह है कि तुम इस दुनिया में आए हो कुछ सालों के लिए, 70, 80, 90, 100 साल के लिए, इसमें आनंद करो और फिर वापस जाओ, अपना टिकट कटवाओ, तुम्हारा वीजा ऑलरेडी बना हुआ है, तुम्हारी टिकट ऑलरेडी बुक्ड है, तो यहां एंजॉय करो, मजे से रहो और जाओ। ये क्या है, ये भाईपन भाईचारा जिसको तुम लोग कहते हो, ये क्या है? अरे फेथ कुछ नहीं होती, इस फेथ से न किसी को आज तक कुछ मिला है ना मिलेगा। फेथ और अंधविश्वास में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए हिंदुओं ने अब किसी फेथ में किसी में रखा ही नहीं। स्वतंत्र अद्वैत एको सत्यम द्वितीय नास्ति, कदम बात, और सब कुछ सही है, तुम भी सही हो, मैं भी सही हूं, दो सत्य एक साथ नहीं रह सकते क्या, हजारों सत्य एक साथ रह सकते हैं, तो भाई तुमको क्या दिक्कत है, तुमको क्या परेशानी है? अपने दिमाग में एक फ्री थिंकिंग रखो, दिमाग को छोड़ दो सोचने के लिए, उसको लेने दो अपना आनंद, मानसिक विलासता में जितना दूर जा सकते हो जाओ, मेंटल लग्जरी को जितना एंजॉय कर सकते हो उसको करो, बस दूसरों को डोमिनेट करने की बात मत करो। ये मत कहो कि बस मैं ही सही हूं दूसरे गलत हैं, या मेरा ही एक अल्लाह या भगवान या ईश्वर जो है वो सही है बाकी दूसरों का गलत है, ये बात मत करो भाई। न तुमको पता है कि वो गलत है या सही है, ना मुझे पता है कि मेरा भगवान सही है या गलत है। ये हमने आस्थाएं बनाई हैं इस जीवन को जीने के लिए, जो टाइम पीरियड हमको मिला है, जो टाइम पीरियड मिला है, कौन जानता है 7 आसमान है कि 8 है कि 20 है। हिंदू तो मानते हैं कि सब दुनिया पैरेलल, बहुत सी दुनियाएं हैं, एक जगह एक दुनिया नहीं है, मिलियंस ऑफ द वर्ल्ड आर लिविंग टुगेदर। मानो, नहीं मानना है तुम मत मानो, झगड़ना किस बात के लिए है? धर्म को एक टूल मत बनाओ, लोगों को बहकाने के लिए, अपने साथ लेने के लिए, पॉलिटिकल गेम खेलने के लिए, अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए, उसको एक इंस्ट्रूमेंट मत बनाओ। और अपनी फेथ को कभी भी अनक्वेश्चनेबल मत बनाओ। जिस दिन तुमने अपनी फेथ को
अनक्वेश्चनेबल कर दिया, उस दिन उसमें से एक ही चीज निकलेगी, टेररिज्म, टेरर, डर, भय, वो उसमें से निकलेगा जिस दिन आपने अपने विश्वास को अनक्वेश्चनेबल कर दिया कि इसमें प्रश्न उठ ही नहीं सकता। नहीं, दुनिया अपने आप में एक प्रश्न है और व्यक्ति का जीवन एक प्रश्न है। इन प्रश्नों को पूछने दो, आने दो, स्वागत करो, उनको एंजॉय करो। रिलीजन कोई सोशल एडहरेंस नहीं है कि पूरा समाज उससे जुड़ा ही रहेगा, उसी को मानेगा। अरे समाज समाज है, उसमें हजारों तरह के विचार हैं, कितने प्रकार के व्यक्ति हैं, उनके सबकी मान्यताएं, आस्थाएं, जीने का ढंग, सोचने का ढंग, पढ़ने का, हर चीज अलग है। उनको यही तो हमारी सबसे बड़ी विरासत है इंसान के, कि सब इंसान एक ढंग से नहीं सोच सकते और वो सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। और वो मोनोटोनी अगर आ जाएगी तो पूरे विश्व का आनंद ही खत्म हो जाएगा। बुक, सारी किताबें सेक्रेट हैं, सब बुक सेक्रेट है, क्योंकि वो इंसानों द्वारा लिखी गई हैं। कोई भी किताब भगवान ऊपर से नहीं भेज सकता बना करके, नहीं भेजा है आज तक, ये संभव ही नहीं है, असंभव है। उस असंभव चीज को अगर मान लूं कि मेरे ये कृष्ण ऊपर से आए और वही किताब लिख करके मेरे को दे गए, तो मैं पागल हूं। मुझे कुछ हेलुसिनेशन है या डेल्यूजन है। नॉर्मल स्थिति में यह नहीं कह सकता, मैं ये कह सकता हूँ ये किताब तुलसीदास जी ने लिखी, महाभारत वेदव्यास जी ने लिखी, उन्होंने अपने विचार समसामयिक इतिहास के ऊपर बेस ध्यान रख करके लिखे, उनको मानो। उनको मानो मत, वो आपके हर प्रश्न का एनालिसिस करने, उत्तर देने के लिए नहीं है। महाभारत में तो कहीं उत्तर मिलता ही नहीं किसी चीज का, ना गीता में कोई उत्तर मिलता है, वो प्रश्न खड़े करता है आपके दिमाग में, आप उन प्रश्नों पे सोचते हो, बस उतना ही है। प्रॉफिट्स हमने कहा, तो भाई कृष्ण भी प्रॉफिट थे, सारे प्रॉफिट्स, यानी कि जो व्यक्ति आए जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा करके कुछ विचारों को इकट्ठा किया इधर उधर से। देखो कोई भाई कि उसको भगवान ने आके दिया तो मेरी समझ में नहीं आता, कैसे भगवान किसी को दे सकता है। हाँ, कुछ सेक्रेटरी कंडीशंस में आपको भगवान दिखाई देते हैं, वो आपसे बात भी करते हैं, आपके साथ बैठते भी हैं, लेकिन ये संभव नहीं लगता कि किसी एक ही व्यक्ति के पास में भगवान आएंगे और वो उसको बात करेंगे। भगवान हम किसी भी हर व्यक्ति को, जैसे मैंने पहले अक्सर कहता रहता हूँ कि हमारे यहाँ तो हम हर किसी का भगवान कहते हैं, उसका किसी का स्वागत करते हैं, भगवान आइए, भगवान खाना खाइए, भगवान पानी पीजिए। वो भगवान क्यों कहा जाता है कि हम तो हर इंसान में भगवान को देखते हैं, कि भगवान का अंश हर व्यक्ति में है, हम सब भगवान में लीन हैं, उसके पूरक हैं। वो हमारा पूरक है, हम उसके पूरक हैं, वो हमारा हिस्सा है, हम उसके हिस्से हैं। पॉलिटिक्स, फिलेंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज सब खत्म करके एक धर्म पे लोग पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं और उस पॉलिटिक्स में फिर एक दूसरे लोगों को मारते हैं और फिर अपने आप को बड़ा छोटा समझते हैं। लोग भूखे मर रहे हैं, आप आनंद लेते हैं। शांति की जगह लोग रो रहे हैं, दुखी हैं, आप आनंद ले रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं। एक अलीगढ़ में बैठा हुआ आदमी सपोर्ट कर रहा है, अरे भाई उसने गलत किया है, अरे भाई तुमने क्या किया है पहले ये देखो ना, तुमने अपने परिवार के लिए, समाज के लिए क्या किया वो सोचो, उनके समाज और परिवार उनके सोच लेंगे, तुम्हें उनके अंदर कोई इंटरफेरेंस करने की आवश्यकता नहीं है। जब ये हो जाएगा तो अपने आप वो लोग सोचेंगे, अपने आप सोचेंगे और रास्ता निकालेंगे। आप तो सिर्फ एक ही बात पे ध्यान दो, ह्यूमन हैप्पीनेस पे, वो एक्शन करो जिससे ह्यूमन हैप्पीनेस मिले, आपको हैप्पीनेस मिले और दूसरों को हैप्पीनेस मिले, वही श्रेष्ठ है।
धर्म रिलीजन तो बेसिकली आपको डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ आइडिया देता है, और जो धर्म डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ आइडिया नहीं देता आपको, वो धर्म मैं तो उसको मानता हूं कि कुछ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इसलिए मैं सोचता हूं कि एथीस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट और पूज्य है जितना थियस्ट। उसकी सोच वो है, मेरी सोच थियस्ट में है, तो उससे अंतर क्या पड़ता है? है तो हम दोनों एक ही व्यक्ति, एक ही जैसा ब्रेन है, एक ही जैसा शरीर है, एक ही जैसा सब कुछ है, हमारा एक ही जैसा कर्म है। कर्म जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये तो निश्चित है। मैं इनकार्नेशन में विश्वास नहीं करता। इनकार्नेशन में इसलिए विश्वास कर सकता हूं थोड़ा बहुत कि जो कर्म का प्रभाव इस जन्म में छूट गया, कम रह गया किसी कारण से, वो अगले जन्म में मिलेगा। तो ये एक लॉजिक बनाता है कि शायद हो सकता है ऐसा हो। कम से कम वो अपने मन में भय तो रखेगा। मैं स्वर्ग और नरक को नहीं मानता, पर अगले जन्म में उसका प्रभाव पड़ सकता है, मुझे कष्ट मिल सकता है, इसको मैं मान लेता हूं, इसलिए कि मेरे को सीधा रखेगा, ये मेरे को बुरा करने से बचाएगा कि भाई मुझे कर्म को तो भुगतना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं भुगतता तो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, तो उस भय से कम मैं ठीक तो चलूंगा। अरे सबसे अच्छे तो वो है जो कहते हैं दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती, माया है, और जब माया है तो उस माया में किस चीज का मोह, उस माया में किससे दुश्मनी, किससे प्यार, किससे दोस्ती, सब सच है, फिर उसमें सोचने की आवश्यकता क्या है? फिर कौन ब्लास्फेमी करेगा जब माया है, निहिलिज्म है, तो कौन ब्लास्फेमी करेगा? कौन अच्छा रिलीजन होगा, कौन बुरा रिलीजन होगा? फिर सब पर इस मास को रेगुलेट करने के लिए कुछ एथिक्स, कुछ लॉ, कुछ कानून कायदे बनाने पड़ेंगे, जिससे कि हम लोग आपस में शांति से रह सकें और वो सबके लिए एक जैसे हों। उसमें फिर धर्म बीच में नहीं आए, हम कह दें कि अब हमें धर्म की इसमें आवश्यकता नहीं है। अरे सोचना है तो सोचो विज्ञान के बारे में, सोचना है तो सोचा इस ब्रह्मांड के बारे में, सोचना है तो इस ह्यूमन रेस के बारे में सोचो, सोचना है तो एनिमल जो रेस है उनके बारे में सोचो, एनिमल किंगडम के बारे में सोचो। सोचना है तो ये सोचो मांस खाना चाहिए या वेजिटेबल खाना चाहिए, उस पर चर्चा करो, उस पर काम करो साइंस की तरफ से भी कि मांस अच्छा है कि वेजिटेबल, कुछ समझ में आ सकता है, लेकिन वेजिटेबल वो बड़ा खाएंगे कि छोटा खाएंगे, उस पर झगड़ा काहे का, झगड़ा क्यों उस पर करना चाहते हो? हाँ ये विषय डिस्कशन का हो सकता है कि किसके खाने से क्या नुकसान है या क्या फायदा है। विश्वास एक दूसरे पे बहुत बड़ी चीज है। सोशल डेवलपमेंट अपना ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, सोशल डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हर क्षण होती रहती है। ये दुनिया परिवर्तनशील है, दुनिया विचारशील है, इसको आगे बढ़ने दो। कोई भी विचार स्टैटिक नहीं है, कोई भी विचार ऐसा नहीं है कि वो दुनिया में पहले दिन वैसा था और आज भी वैसा है। कोई सिद्धांत ऐसा नहीं है कि जो पहले सिद्धांत था वो आज भी ऐसा है। मैंने बचपन में पढ़ा था एटम वो चीज है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, और वही बाद में पढ़ा एटम वो चीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। जब साइंस और विज्ञान जिसको हम कहते हैं वो स्थिर नहीं है, वह बदलती रहती है, तो धर्म वर्म तो क्या चीज है? ये तो परिकल्पनाएं हैं। इन धर्मों को बढ़ने दो, परिवर्तित होने दो।
जैसे हम में परिवर्तन आएगा वैसे ही उनमें भी परिवर्तन आने दो। जैसे नई नई चीजें आएंगी वैसे ही वैसे अपने विश्वासों को भी बदलते जाओ, तब तो तुम दुनिया में शांति से रह पाओगे। नहीं तो तुम भुगत रहे हो, लड़ रहे हो, लड़ते रहोगे, लड़ते रहो, लड़ते रहो, कहते रहो हम सही हैं दुनिया में, बाकी सब गलत है। एक मेरा ही खुदा, मेरा ही अल्लाह सही है, बाकी सब गलत है। मेरा ही एक कृष्ण सही है, बाकी सब गलत है। मेरा ही एक राम सही है, बाकी सब गलत है। मुझे इसमें कोई लॉजिक नहीं समझ आता, न कोई सेंस समझ आता। सोचो, तुम्हारे पास, सबके पास एक लिमिटेड समय है, उस समय को कितने आनंद से जी सकते हो, कितने दूसरे लोगों से मिल सकते हो, कितने दूसरे लोगों से आप मदद कर सकते हो, कितने लोगों को आप खाना दे सकते हो, कितने लोगों को आप नौकरी दे सकते हो, कितने लोगों की आप मदद कर सकते हैं। प्रश्न तो ये होना चाहिए, न कि आप कितने लोगों को मार सकते हो, न कि यहाँ बैठ करके आप अलीगढ़ में बैठ करके और तेल अबीबी की चिंता करोगे, ये गलत होगा। इसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है। धन्यवाद।